बहुत दिनों से देख रहा हूँ जब ये घूमते थे, परेशान कर रहा है गाइस, कह रहा है मम्मा को परेशान कर रहा है। और गाइस नोरा है ना इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम के पपी को अपना आदत डालनी है ना पोटी बाहर करने की, तो ऐसे ही बाहर की आदत डालना। सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर 2.0, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। गाइस एक फैमिली दिखाती है ना, छोटे छोटे थे, डेली यहाँ पे आते हैं दाना चढ़ने। और भाई इस जंगल में है ना नील गाय भी, आम मैंने वीडियो में दिखाई, ये देखो गाइस ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ जब ये घूमते थे। तो किसी दिन एक वोरा वो भाग रहा है, वो भाग गया किसी दिन। गाइस अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है, दिखाऊंगा आपको नील गाय वगैरह भी, लीजा कोई लेके आऊंगा। तो यहीं खड़े रहती थी सारी नील गाय, अभी सर्दी है तो अंदर की तरफ होंगी। और भाई फैमिली बढ़ेगी तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है एक दिन पूरा सर्च करेंगे इसको, लीजा को लेके, दो तीन डॉग्स और लेके फिर दिखाऊंगा आपको। जल्दी जल्दी फैमिली बढ़ाओ भाई। मामा पापा का नहीं है ये, देखो गाइस करवाली बेइज्जती। ये दिन भर मम्मा मम्मा, रात को मम्मा, सोते वक्त मम्मा, एक डिंकी, बस दो ही चीज याद रखता है। अभी शिरो के साथ खेलना है आपको, शिरो के साथ खेलना है, नोरा के साथ, ठीक है। अभी खाना खा रहे हैं वो लोग, भाई उनको खाना दे दिया है, अभी खाना वाना खा लेते हैं वो, फिर उनको बाहर लेके जाऊंगा, लीजा को तो घुमा लाया। तो भाई खाना खिलाते ही ना इनको, देखो अभी ये पोटी करेगा, ये खाना खाते ही भाई आपको अपना आदत डालनी है ना पोटी बाहर करने की, तो खाना खाते ही वो 10-15 मिनट के बाद पोटी करते हैं, तो उनको बाहर तुरंत ले आओ, फिर उनको बिल्कुल वही आदत हो जाएगी बाहर पोटी करनी है। और अभी चलता हूँ घर, फिर थोड़ी देर इनके साथ खेलेंगे। और भाई अभी है ना ये 2 महीने के हैं, तो अब ये 3 महीने का हो जाएगा, एक अभी एक महीना बाकी है, तो मैं सोच रहा था इसके ईयर क्रॉप करवाने के लिए, तो जब तक अपनी फैमिली और बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए कमेंट में बताना भाई ईयर क्रॉप कराऊं या नहीं। वैसे मैंने भाई इन चीज़ों में बिलीव, क्योंकि इसका कारण ये होता है क्योंकि इनके ईयर कान में ना फिर पानी वानी चला जाता है, और बारिश में भी बेकार होते हैं ईयर क्रॉपिंग, फिर इनके कान में पानी जाता है। लेकिन भाई ये निखर के तभी आएगा इसका फेस जब इसके ईयर क्रॉप हो जाएंगे। और गाइस नोरा है ना इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम शेक हैंड सिट डाउन ये बहुत जल्दी सीख गई, उसको बोलता हूँ ना कम स्टे तो कर लेती, देखो सिट डाउन नोरा, ये भाई बहुत जल्दी सीख जाएगी, ये थोड़ा सा अपने मगन रहता है। तो गाइज अभी ईयर क्रॉपिंग की तो बात क्या करूँ, फिर बाद में ही थोड़ी फैमिली बढ़ जाएगी अपनी, बहुत सारा सपोर्ट दो, प्यार करो ऐसे ही, तो फिर सोचते हैं उसके बारे में। भाई अभी ये पोटी करेगी गाइज, देखना अभी है ना, नोरा को बुलाऊंगा, नोरा कम, नोरा कम कम, ये देखो गाइज, और देखो सिट डाउन नोरा, सिट डाउन शिरो, सिट डाउन, ये देखो गाइज ये थोड़ा अपनी धुन में, सिट डाउन। लेकिन इसको भी बहुत जल्दी मतलब दोनों को ही ट्रेन करना है। A few moments later. कैसे हमला कर दिया, हमला कर दिया, डांस दे रहे ऊपर जल्दी, ये देखो भाई देखो, हमला कर दिया आप पे, ये अरे स्टॉप, ये मार इसको, मार मार जल्दी मार, मार दे इसको, पिटाई कर, पकड़े पकड़े इनको, पकड़ रे पकड़ रे, अरे भाई और ये देखो ये ओए देख ले लीजा तेरे बच्चे, ए शट अप जमीन को शांत करता हूँ देना, ए बस गिरा दिया था आपको, गिरा दिया था, अच्छा इनकी पिटाई करूंगा। ये भी बाहर से आए ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अभी इनको समझाता हूँ। और गाइस आप भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे ही बाहर की आदत डालोगे पोटी की, तो ऐसे खाना खिलाते ही ले जाओ, तो बहुत जल्दी ही वो सब बाहरी पोटी सीख जाएंगे करना। ये देखो ये भी आ गई, बॉल दिखाओ इतांस, बॉल दिखाओ इनको, बॉल से खिला के देखता हूँ, दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ, इन इनके बिस्किट, इनके बिस्किट, ये भी आ गई, ये देखो अपनी माँ को, ये भी चलो सोचती है मेरे साथ में खेलने, अभी बच्चे हैं बेटा, ये अभी छोटे हैं। हाँ मम्मा, ये मम्मा को परेशान कर रहा है, मम्मा को परेशान कर रहा है, मम्मा को परेशान कर रहा है, पिटाई करोगे इसकी, पिटाई करो, नहीं 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 बेटा, ये भी कोई बाबू है ना, ये छोटे छोटे बाबू है बेटा, ये आपके जैसे। तो गाइस हो गया खाना पीना और मस्ती भी होगी, अब इनको रोक देता हूँ, बंद कर देता हूँ इनको, तो अब वीडियो करता हूँ एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।